we are going straight towards Statue of Unity. सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज 10 इन द मॉर्निंग एंड यू नो लाइक फुल एनर्जी के साथ में हम लोग वापस बोलते हैं ना घर वापसी कर रहे हैं और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है घर पहुंचने के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 10-11 दिन हो गए हैं घर से दूर और घूमते 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 अभी बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। बट फाइनली हम लोग लास्ट डे में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए क्योंकि हमको घर जाना है और हमारे घर को हमको बहुत ज्यादा प्यार करना है। और लास्ट डे हम लोग यहाँ पर रहे हुए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में, एक BRG बजट स्टे करके है। बजट स्टे मतलब कुछ ज्यादा बजटिंग कर दिया ये लोगों ने। रूम दिखाने लायक नहीं था इसके लिए मैंने दिखाया नहीं क्योंकि स्विच को हाथ लगाते स्विच हाथ में आ गया था तो यू नो लाइक आप समझ गए होंगे कि क्या है। ओवरऑल खाना पीना वगैरह अच्छा लगा मुझे। थोड़ी चीज़ें हैं जो कि बोलते हैं ना एक एंड ऑफ द ट्रिप में सही नहीं हुई है इन टर्म्स ऑफ यू नो लाइक दिस पर्टिकुलर स्टे। बैड रिव्यू नहीं बोल सकता मैं, लेकिन गुड भी नहीं है। गेट के बाहर जाते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के इधर पहुंचते हैं, अपना वहां पर जो भी देखना दिखाना है जो भी वाइंड अप करना है और फिर उसके बाद में हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे घर के लिए टू आवर बिलवड मुंबई। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, गणपति अप्पा मोरिया, मंदिर मूर्ति मोरिया, उंदिर मामा की जय। नॉन एसी रूम में रहे हैं भाई लोग, एसी की बोलते ना एक्चुअल कीमत अभी समझ में आ रही है। सो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर ये जो व्हाइट इनोवा खड़ी है इसके पीछे रिसेप्शन एरिया है, ये ए विंग है जस्ट लाइक अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ से घूमते हुए वो जो आगे जहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है एकदम स्ट्रेट, वो बी विंग है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे लिया था फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर कल रात को बहुत धमाल हो रहा था क्योंकि यहाँ पर मैरिज थी कल और संगीत वगैरह सब चल रहा था तो बहुत धमाल हुआ था यहाँ पर। दिस इज़ द मेन गेट एंड यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है बट साथ ही साथ में थोड़े हम्बल पीपल भी हो जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ ओके सर, ओके थैंक यू।
सो वी आर गोइंग टू स्टैचू ऑफ यूनिटी. यहाँ पर ई रिक्शाज भी हैं एंड वी आर गोइंग बाई बस. सो देर इज़ अ लाइटिंग शो ऑल्सो एट द नाइट, बट तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं. यहाँ से यू हैव टू टेक द टिकट्स. वैसे बस जो है वो फ्री सर्विस है, बट स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए देर इज़ अ टिकट. मैंने टिकट लेना है, फिर बस अभी तक कोई दिख नहीं रही है मुझे. जैसे आती है उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ. फूड कोर्ट भी है यहाँ पर, लॉकर्स है, कोई सामान वगैरह रखना है तो. एंड दिस इज़ अ वेटिंग एरिया प्रोबेबली. सो गाइज द टोटल टिकट प्राइस इज 2130. द रीज़न बींग 150 इज़ फॉर द फिट व्यू, जहाँ से आप नीचे रह के देख सकते हो व्यू पूरा. और अगर आपको ऊपर जाना है चेस्ट व्यू जो एक दूसरा है, उसके लिए 380 रुपीज़ पर पर्सन देना है. 380 पर अडल्ट एंड 230 फॉर चाइल्ड. ओके चलो लेट्स गो, अभी हो गया खर्चा, चलो. सो आइडिया ये था कि भाई अगर इतना लंबा अगर सफ़र करके आए हैं और ये हम लोगों का लास्ट पर्टिकुलर जंक्शन है जो हम लोग विजिट कर रहे हैं इस ट्रिप में, सो क्यों छोड़ने का ना, कंप्लीट कर लेते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हो? 2130 पर पर्सन बांट लेंगे, 380 पर पर्सन. सो बस की लाइन में लग रहा हूँ बहुत टाइम के बाद में. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आदत नहीं रही है. आई थिंक एक बस में तो सफाइस नहीं होगा, हमको दूसरी बस के लिए वेट करना पड़ेगा. सो ये पहली बस तो चली जाएगी हाथ से, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पब्लिक है. नेक्स्ट बस में ही बैठना पड़ेगा लगता है. सो ये बस काफ़ी बड़ी है, वो तो जाना चाहिए. सेकंड बस है कि उसमें बैठेंगे, देखते हैं. वी आर इनसाइड द बस, क्लाउडी वेदर है. ये देखो, we have reached Statue of Unity. तो यहाँ पर अभी हमारी बस पार्किंग होगी और फिर हम लोग स्टेट पे चल के जाएंगे Statue of Unity तक. This is the bus parking area. That's नर्मदा डैम, नर्मदा रिवर जो फ्लो हो रही है यहाँ पर इस तरफ से पीछे के साइड से. एंड दैट्स आवर स्टैचू ऑफ यूनिटी, सो प्राउड टू बी हियर. यहाँ पर टिकट चेकिंग होगी, सो आई हैव टू रश. वो देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो मेरे वीडियो में आप देख लीजिए पूरा एक्सपीरियंस. बंद हो गया. अच्छा अच्छा, थैंक यू. वेरी गुड, चलो दैट इज लेडीज लाइन. We are going there, gents. It's not a game, it's a rich thing. So finally we are inside and we are going straight towards Statue of Unity. So that is the exit point. अभी हम लोग जा रहे हैं entry point में. यहाँ से escalators हैं यहाँ पर, so that's really good. And here you are. The famous Narmada River. Beautiful.
this Statue of Unity is one such example that India should have more of this kind of, you know, monuments. जैसे हम लोग बाहर कंट्रीज वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है. दिस इज़ वन ऑफ देम एंड वी नीड मोर ऑफ दिस. आप देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और इस मॉन्यूमेंट का साइज देखिए. हैट्स ऑफ. वी आर एंटरिंग फ्रॉम हियर. दैट्स द एग्जिट पॉइंट आई गेस. हाँ, बहुत गर्मी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग गैलरी में आपका स्वागत है. अभी आप सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े हो, जहाँ पे वो स्ट्रक्चर के अंदर हो. 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हो आप. ये जाली है, ये सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है. और ये जैकेट का बटन है ऊपर, ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा. अभी आप दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े. स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है. इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वंजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले हैं. स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स. इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है. ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं सातपुड़ा की पर्वतमाला है, लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल की पर्वतमाला. दो पर्वतमाला के बीच में है सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी. आप सिर्फ 38 सेकंड में 45वीं मंजिल पे आ गए हो, चेस्ट लेवल पे हो. ये फ्रंट व्यू है. अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, फिर नीचे म्यूजियम में और फिर सरदार साहब के चरणों के पास में जाना है. आपकी टिकट में इंक्लूड है डैम व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स. यहाँ से एग्जिट करोगे, बस पार्किंग से बस मिलेगी, वो आपको डैम व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स लेके जाएगी. थैंक यू, धन्यवाद. सरदार साहब ने जैकेट पहना है, जैकेट का बटन है ऊपर, बटन देख लीजिएगा, ऊपर से दूसरा बटन है वो. तो लुक एट द कंस्ट्रक्शन वाइज, थोड़ा डार्क है बट थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा किस तरीके से बना हुआ है.
जा रहे हैं टूवर्ड्स द फेट एंड दिस इज नर्मदा रिवर एंड द डैम जो ऊपर से दिखाया था. All the way towards the sun.